लो भाई, अब जाकर अखिलेश यादव के सीने को ठंडक मिली होगी। इनकम टैक्स की एजेंसी असली पी तक तो पहुंच गई। जब से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीमें पीयूष जैन के घर रेड मारने पहुंची थीं, तब से रह रहकर अखिलेश यादव आईटी और जीएसटी एजेंसियों को चुनौती दे रहे थे। कह रहे थे कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम गलत पते पर पहुंच गई है। उन्हें जाना तो था पुष्पराज उर्फ पम्मी जैन के यहाँ, लेकिन पहुंच गई पीयूष जैन के घर। आखिरकार जांच एजेंसियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब असली पी यानी पम्मी जैन के घर पहुंच गए। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि पम्मी जैन से अखिलेश यादव की कोई दुश्मनी तो नहीं? क्या वाकई अखिलेश यादव चाहते थे कि पम्मी जैन के घर छापा पड़े? क्या इनकम टैक्स महकमे ने अखिलेश यादव के दिल की बात सुन ली? शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स की कई टीमों ने कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली के 30 ठिकानों पर इत्र कारोबारियों के यहाँ ताबड़तोड़ छापे डालने शुरू कर दिए। आईटी की रेड समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज उर्फ पम्मी जैन के यहाँ पड़ी। इसके साथ ही कन्नौज के एक और इत्र कारोबारी याकूब मलिक के कन्नौज और लखनऊ के आवास में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगी। इनकम टैक्स की रेड अम्बेडकर नगर और हाथरस में भी जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कन्नौज में रेड क्या पड़ी? अखिलेश यादव आपे से बाहर हो गए। आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई होने वाली है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी कर रही है। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अखिलेश जीते हुए हैं तो उन्हें डर क्यों सता रहा है? जांच एजेंसियों को जो इनपुट मिलते हैं उसी के मुताबिक छापेमारी होती है। इससे पहले भी इनपुट के आधार पर छापेमारी हुई और कई लोगों के यहाँ हुई और उसमें क्या बरामद हुआ सभी को मालूम है। अगर गलत जानकारी में छापेमारी हुई होती तो क्या बेशुमार दौलत हासिल होती? उन्होंने सवाल किया कि सोना चांदी और नकदी क्या किसी आम आदमी के यहाँ से मिल सकते हैं? निर्मला सीतारमण ने कहा कि अखिलेश जी के यहाँ तो मिल ही सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं। उन्होंने अखिलेश को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अखिलेश क्यों इतने डरे हुए हैं? उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि एजेंसियों के हाथ उनके गिरबान तक भी पहुंच जाएंगे? आरोप प्रत्यारोप के बीच साल 2021 के आखिरी दिन इनकम टैक्स की छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर जारी है। अभी तक इनकम टैक्स की तरफ से ये खुलासा नहीं हुआ कि इन छापों में क्या कुछ बरामद हुआ है, लेकिन इस रेड के बाद इतना तो तय है कि आने वाले नए साल में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है, क्योंकि अखिलेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांग रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर चल रही इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड के बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं और अब राष्ट्रपति से मिलकर इन रेड की शिकायत करने वाले हैं। साथ ही इन रेड को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाले हैं। ये कन्नौज शहर, कन्नौज क्षेत्र समाजवादियों से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहां का इतिहास भाईचारे का रहा है, सौहार्द का इतिहास रहा है और इत्र कोई आज से नहीं बन रहा है, बहुत वर्षों से यहाँ इत्र बन रहा है। इत्र के कारोबार से न केवल व्यापारी जुड़े हैं जो व्यापार करते हैं, यहाँ के बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव काला धन सामने आने से बौखला गए हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को यही कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी, अगर आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो उस छापे की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। जो जांच एजेंसियां कोई छापा डालती हैं और वह छापे में अगर कुछ बरामद हुआ है और उसको बरामद हुए कुछ घंटे ही अभी बीते हैं और फिर कोई छापे की कार्रवाई 50 स्थानों पर चल रही है, एक स्थानों पर नहीं, उसमें कन्नौज से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर के दिल्ली और अनेक स्थानों पर आज ये छापे की जो कार्रवाई हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी का स्वयं की कंपनी है, स्वयं का कारोबार है, मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी को यह पता चल चुका है कि 2022 में तो उनकी दाल गलनी नहीं है, वैसे भी वो तैयारी 2027 की करना अंदर खाने शुरू कर रहे हैं, लेकिन 22 हो चाहे 27 हो, उत्तर प्रदेश की जनता कमल के फूल के साथ थी और कमल के फूल के साथ रहेगी। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से रंजना श्रीवास्तव की रिपोर्ट।